यूपीए 2 के शासनकाल में हुए घोटालों का धब्बा झेल रही कांग्रेस को इसका खामियाजा 2014 का लोकसभा चुनाव गंवा कर चुकाना पड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब 2019 में उसी कांग्रेस पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री पर चोरी का इल्जाम लगाकर नरेंद्र मोदी की तरह सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार चोर शब्द दोहराकर साबित करने की कोशिश में हैं कि पीएम ने राफेल खरीद सौदे में चोरी की है। जनता पर इसका कितना असर होता है ये तो चुनाव के नतीजों से साफ होगा, लेकिन फिलहाल तो राहुल के लिए चोर शब्द भारी पड़ने जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को चोर कहते कहते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब मोदी नाम वाले सभी लोगों को चोर की उपाधि दे दी है। इससे खफा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा करने का ऐलान किया है। उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं, मेरा भी टाइटल मोदी है और से मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। असल में कल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नीरव मोदी को पीएम मोदी के साथ खड़ा करते सभी मोदी सरनेम वालों को चोर की कैटेगरी में डाल दिया। राहुल गांधी पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर अपने आरोप को सही ठहराना उन्हें भारी पड़ सकता है। दरअसल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर नए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद अमेठी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने गए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बीजेपी नेता और वकील मीनाक्षी लेखी ने उन पर मानहानि का केस दायर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को इस पर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने अपनी शब्दावली से कोर्ट के ऑर्डर को रिप्लेस किया और यही कारण है कि आज कोर्ट ने स्पष्ट भी किया। जाहिर है चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए हद पार करना राहुल गांधी को महंगा पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अगर राहुल गांधी को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया तो उनके लिए चुनाव की डगर कांटों भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।